लोग, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग में मिल रही हूँ। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को, सभी सनातनी को, सभी कृष्ण भक्त को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। और आज मैंने पहना है येल्लो कलर का फ्रॉक सूट। मैं आपको फुल लुक अभी दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने येल्लो कलर का फ्रॉक सूट पहना है। इसमें आगे कटअप बहुत ही अच्छा सूट है। इसके नीचे मैंने मैरून पैंट ली है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आज घर की सारी सफाई कर दी है, बस पिलो पे कवर चढ़ाने रह गए हैं। इतने सारे कपड़े धो दिए हैं और मंदिर की सारी सफाई कर दी है। ठाकुर जी के लिए प्रबंध हो रहा है रात का, और ठाकुर जी का झूला आज मैं यहाँ पर टांगने वाली हूँ। और मम्मी आ गए, मम्मी हैप्पी जन्माष्टमी। और गाइस, रात हो, शाम हो रही है, रात नहीं हो रही, शाम हो रही है। मैंने व्लॉग बहुत लेट शुरू किया। और मम्मी बना रही है भोग, खोया भून रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खोए के लड्डू बनेंगे और पंजीरी बनेगी। तो यहाँ पे गाइस गोले की पंजीरी, उसमें बस थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, बादाम और किशमिश। यहाँ पे पंजीरी रेडी हो गई है, मम्मी कट कर रही है और मैं सीख रही हूँ कि कैसे पंजीरी को कट करते हैं। तो मम्मी यहाँ पर बना रही हैं पेड़े खोए के, जो कि बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ठाकुर जी का भी ये फेवरेट प्रसाद है, उनका मनपसंद भोग है ये। गाइस मैंने मेकअप कर लिया। मेकअप के बीच में मैं बार बार किचन में भी जा रही थी मम्मी को सामान देने, लिपस्टिक रह गई लगानी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट पंजीरी बन चुकी है और मम्मी अब पेड़े बना रही है। पेड़े सही बने हैं बिल्कुल, और पंजीरी यहाँ पर रेडी हो गई है हमारी। मैं रेडी हो गई हूँ, मम्मी चली गई हैं बनाकर घर पे। और आज मैं नहीं गई हूँ मंदिर जाने के लिए, मन कर रहा था लेकिन गर्मी बहुत हो रही है, भीड़ बहुत है मंदिर में, और लेट भी हो गए थे, मम्मी को खाना भी बनाना था, इस वजह से हम नहीं गए। और घर में तो हम पूजा करते ही हैं, तो घर में आनंद उठाएंगे। और मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने सूट की मैचिंग करके और हाथ में ये डाला है पहली बार गजरा। इसमें से बहुत मीठी मीठी बढ़िया सी फ्रेग्रेंस आ रही है। ये मैं वैष्णो देवी से लेकर आई थी और ये बहुत टाइम से रखे हुए थे, आज फर्स्ट टाइम डाले, सूट मैच कर रहे, तो सोच रहे एक दो रील्स बना लूँ। तो रील्स के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम मेघा दया 8894 पे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूँगी। तो गाइज मेरा फुल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए मैंने हेयर स्टाइल ऐसा बना लिया सिंपल सा। तो हैप्पी जन्माष्टमी एक बार फिर से सभी को। गाइज हमारे मेन रोड पे ना बहुत भीड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दो तीन मेन मंदिर हैं बहुत बड़े बड़े, और संदीप आ गए हैं, इसलिए मैं बालकनी पे खड़ी थी। कैसे भीड़ हो रही है बाहर? जय श्री कृष्ण, बहुत भीड़ हो रही है, मटकी फूटेगी। हाँ गाइस, संदीप झूला बांध रहे हैं ठाकुर जी का। वो देखिए एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक बोल। हाँ नंद बाबा, नंद बाबा, आप नंद बाबा हो? अच्छे लग रहे हैं ना झूला, सही टांग दिया। हम वेट कर रहे हैं 12 बजने का, और टीवी ऑन किया हुआ है। देखो कितनी भीड़ है, द्वारका और मथुरा, मथुरा और द्वारका गुजरात से लाइव आ रहा है। वहाँ पे स्टार्ट होगी पूजा, ऐसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। श्रृंगार पूरा प्लेट में सजा लिया है और वहाँ पे पूजा की सारी तैयारी कर ली है और झूला भी टंग गया है। गाइस पूजा शुरू हो गया, अब हम ध्यान से बिल्कुल ध्यान लगा के पूजा करते हैं। अभी हम ठाकुर जी को झूला झुलाएंगे, झूला लगा रखा है। नंद के घानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो अब हम अपने ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं सिंहासन पर,
और अब ये 6 दिन इस झूले में झूलेंगे, छठी तक, ठाकुर जी की छठी जब आएगी तो छठी तक ये झूला टंगा रहेगा। और अभी हम ठाकुर जी को सिंहासन पर ही लेकर जा रहे हैं। मक्खन और मिश्री का भोग तो भूल ही गए थे। आज मैंने कपड़े चेंज कर लिया और मक्खन ना फ्रिज में था तो इस वजह से मुझे लग रहा था मैं कुछ भूल रही हूँ, बट कोई बात नहीं, खिला दिया। वैसे भी थोड़ी जन्म के बाद थोड़ी देर बाद खाते हैं मक्खन मिश्री। और खाना रेडी हो गया, खाना मम्मी ने बनाया एज यूजल, और मैंने आज फास्ट नहीं रखा। और अब मम्मी तो हर बार रखती हैं, मैं खाने में क्या क्या लगी हूँ दिखाती हूँ। ये देखो, ये प्रसाद का भी एक एक पीस ले लिया, दही, चरणामृत, खीरे, आलू की सब्जी और चटनी। अब खड़े हो जाओ, खाने का आगे ऐसे लेटते नहीं है। जय ठाकुर जी महाराज की। तो गाइस, पहले मैं संदीप को पूछती हूँ, इन्होंने पेड़े खाए, पंजीरी खाई है, क्या अच्छा लगा? ये नंबर के पेड़े बनाए रखे, वो आज पहली बार खाए, जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में था। नहीं, पहली बार खाए पेड़े, मतलब ऐसा स्वाद अगर मैं जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। पिछली बार हमारे पेड़े खराब हो गए, जो उनको 750 रुपये 1000 रुपये किलो मिठाई देवे, उस जैसे उस तभी बढ़िया, मतलब टेस्ट ऐसे। लास्ट टाइम हमारे पेड़े खराब हो गए थे ना, पिछली बार हमारे खराब हो गए थे, इस बार मजा आ गया, स्वाद आ गया, ऐसे जी करा सारा डोंगा में ही खा चुके थे एक बार। और पंजीरी, पंजीरी भी बढ़िया। और खाना, खाना सब्जी आज बड़ी टेस्टी बनी थी, सब्जी में तो एकदम मजा आएगा, आलू टमाटर की सब्जी थी, टेस्टी टेस्टी। और ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? सब चीज उसमें एक नंबर की, ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं गाइस, मिलते किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।